दोस्तों नमस्कार, आपका जी ब्लॉग जी के ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूँ कि आजकल जो ऑपरेटर हैं बहुत ज़्यादा ये बढ़ा रहे हैं, जैसे जो कॉलिंग सिस्टम है बहुत ज़्यादा है, कॉल रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। जियो पहले फ्री देता था, फिर कुछ पैसा बढ़ाया, अब तो एकदम अति कर दिए हैं। 50 रुपये था पहले महीने का कि अपना सिम आप चालू कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप महीने भर इनकमिंग आउटगोइंग भी कर सकते हैं। इनकमिंग के लिए उतना सुविधा नहीं थी, मगर आउटगोइंग तो आ सकता था, वैलिडिटी थी उतना। मगर अब ये एयरटेल ने एकदम अत कर दिया है, अब 99 रुपये कर दिया है, पहले 80 रुपये किया था, अब 149 रुपये करने वाला है। तो ये तो कंपनी लूट रही है हम लोग को, और इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर रही, अपनी मनमानी कंपनी बढ़ाती चली जा रही है। जियो भी बढ़ाता चला जा रहा है जो पहले था सिस्टम, अब तो MB भी ख़त्म हो जा रहा है हम लोग का। 2 GB 3 GB बढ़ाने में 300-400 रुपये महीना खर्चा आ रहा है। तो ये सब महंगाई पहले कम हुई, फिर बढ़ती चली गई, और अब तो एकदम कमर तोड़ रही है। तो ये जो कॉल रेट है, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रेट बढ़ा रही है, और इसके लिए सरकार से निवेदन करता हूँ कि टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो अपने रेट को स्थाई करें, कम करें थोड़ा, जितना पहले था। पहले सिम हम लोग को दिया गया था कि आपका लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री रहेगा, मगर टेलीकॉम कंपनियों ने धोखा किया और उसके बाद इन्होंने कर दिया कि अब 49 रुपये महीना डलवाएंगे तब आपका काम करेगा। फिर 49 रुपये डलवाया तो 99 रुपये अब कर दिए हैं सब। तो ये बहुत बड़ी धोखा हो रहा है ग्राहकों के साथ। हमने सिम लिया था, उसमें लिखा था लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री रहेगा आपका, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे इनकमिंग का पैसा बढ़ाते रहे और 49 से अब 99 रुपये पहुँच गए हैं, 50 रुपये से 100 रुपये पहुँच गए हैं। तो ये धोखा हो रहा है ग्राहकों के साथ जिन्होंने सिम लिया था कि लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री रहेगा, और ये रेट भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। और ये हमको लग रहा है कि पुराने रेट ना कर दे, 2010 के समय चलता था 2 रुपया में 1 मिनट बात करने का। तो ऐसा हमको तो लग रहा है कि कंपनी हम लोग को लूटती चली जा रही है, और इस समय बहुत लोग परेशान हैं। इसके खिलाफ लोग एकजुट, एक संगठन बनाए, एकत्रित हुए और एक ग्रुप बना के लोग आंदोलन करें, जैसे किसानों ने किया था, कुछ शक्ति दिखाएं, तभी ये टेलीकॉम कंपनियां मनमानी रोकेंगी। क्योंकि इन्होंने सिम दिया लाइफ टाइम, आप यूज़ करिए, इनकमिंग फ्री है, फिर उसके बाद 50 रुपये लगा ली, चलो ठीक है, अब 100 रुपये कर दिए सीधे, 50 से 100 रुपया, तो बहुत गलत हो रहा है। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ट्विटर पे करें जहाँ तक हो सके, और मंत्री संतरी जितने भी हैं नेता सब इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और ये जो रेट बढ़ा है उसको कम करने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।